जो आज आप लोग का कपड़ा व्यवसाय संगठन का जो वार्षिक चुनाव हुआ है, क्या रिजल्ट आया है? आज हम लोगों का कपड़ा रेडीमेड व्यवसाय संघ का द्विवार्षिक चुनाव में सर्वसम्मति से हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील प्रसाद केसरी पुनः अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। महामंत्री पद पर हमारे पूर्व महामंत्री श्री कृष्णा प्रसाद केसरी जी निर्वाचित हुए हैं। कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी निर्वाचित हुए हैं और कोषाध्यक्ष पद पर श्री रामचंद्र प्रसाद केसरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। और ये हम लोगों का बहुत ही अच्छे ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ है और सब लोग इसमें सहयोग से संगठन को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करते हुए एक सर्वसम्मति कमेटी का निर्णय हुआ है और ये हमारे अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष मिलकर करके अपनी नई कार्य समिति का गठन करेंगे जो आगे आने वाले 2 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल संभाले। मतलब ये कहा जा सकता है कि अध्यक्ष और महामंत्री के सफल कार्यों को देखते हुए फिर से उनके कार्यों से सभी लोग बहुत संतुष्ट थे, जिनके कारण लोग उन्हीं से निवेदन किए कि आप लोग पुनः इस पद पर विराजमान रहिए और संघ को आगे बढ़ाते रहिए। हर लोगों का प्रेम है, ये प्रेम के तहत हम लोग को दोबारा चुना गया और हम लोग काम भी ठीक ढंग से किए, मिला जुला के किए, इसलिए लोगों में प्रेम है कि नहीं दोबारा यही लोग रहें। 21 तारीख को जो झाझा में भव्य शोभा यात्रा निकाले, तो इसमें आपके संगठन की ओर से क्या? हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, वर्तमान समय में किन किन समस्याओं से आप लोगों को संघ मतलब कपड़ा दुकानों को गुजरना पड़ रहा है? सबसे पहले तो है जीएसटी, जीएसटी भी ढंग से नहीं है, बहुत लचर व्यवस्था है। इसमें मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जी, और कोई समस्या ऐसी आती है? ऑनलाइन की समस्या है, झाझावासियों से विलंब बंद करना चाहिए। झाझावासियों से एक निवेदन करेंगे कि जो जो लोग ऑनलाइन खरीदते हैं वो कम से कम वो ना खरीदे, चूंकि सारी जो ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसमें होता क्या है कि किसी भी तरह का कोई बात हुआ या किसी तरह का कोई समाधान की बात हुई, या सपोज कीजिए कि आप बाइक लेके जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट कर गए, तो उस समय ऑनलाइन काम नहीं देता, वो तो व्यापारी वर्ग ही दुकानदार ही काम देता। इसलिए मैं झाझावासियों से ऑनलाइन की खरीदारी के होने से कहीं ना कहीं आप लोगों के व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ता है। अरे झाझा में भी कई तरह की समस्या होती है, आपके संगठन की ओर से क्या क्या समस्या का निर्धारण के लिए आप लोग जैसे मांग करेंगे? फिर हमारे संगठन की ओर से समस्या का निदान यही है कि हम लोग इसे साथ में जब रहते हैं, हम लोग संगठन जब मजबूती रहता है तो व्यापारियों में एकता घोषित होता है। इससे क्या होता है कि कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेते हैं, अकेला रहने से तो ये सब होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को अपने संगठन की ओर से मजबूत करना चाहते हैं कि ताकि और सब मिलजुल कर संगठन को मजबूत करें और अपने तरह से चलाए। अभी फिलहाल कितने सदस्य हैं कुल? अभी हम लोग संगठन में लगभग 140-145 लगभग वैभव है। 21 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, हम लोगों को तैयारी है, बहुत तैयारी है। तैयारी? हाँ, हम लोग सब सहभागी है।